अब घर बैठे बैठे कंट्रोल योर डायबिटीज। कुछ चीजों में हमें ध्यान देना है, जैसे कि लो शुगर डाइट लेना है जिसमें सुक्रोज और फ्रुक्टोज का लेवल जो है वो कम हो। एंड सो व्हाट एग्जैक्टली इज डायबिटीज? डायबिटीज आप ऐसे समझ सकते हो कि आप जो भी फूड खाते हो वो हमारा जो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर वो एंटर करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज और बॉडी उसको यूटिलाइज करती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जब ये ग्लूकोज का लेवल जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा हो जाता है तो वो हमारे पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, पेनक्रियास रिलीज करता है इंसुलिन। इंसुलिन जो बेसिकली ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर और उसका यूटिलाइजेशन करता है। इंसुलिन अगर इसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो इसे हम कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज, और अगर इसका प्रोडक्शन हो रहा है बट बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाई तो इसे हम कहेंगे टाइप 2 डायबिटीज। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो टाइप 2 डायबिटीज है वो ज्यादा कॉमन होता है। सो दोनों डायबिटीज के लिए जो कॉमन सिम्टम्स है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, थर्स्ट, ब्लड विजन, वीकनेस, स्लो वुंड हीलिंग एंड फूड डिफॉर्मिटीज लाइक चारकोट फूड और हेमाटो। अगर हम टाइप स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करें तो टाइप 1 में हमें जो है लीन बॉडी देखने मिल सकता है, उसके साथ कोई एक ऑटो इम्यून डिजीज लाइक थायराइड। 2 में हमें वेट गेन ज्यादा देखने मिलेगा, उसके साथ में ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, कोलेस्ट्रॉल हाई रह सकता है। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो टाइप 1 जो है इसका अल्टीमेट थेरेपी इंसुलिन ही है, और टाइप 2 के लिए जो है वो है फिजिकली एक्टिव रहना है, हेल्दी फूड खाना है एंड वेट लूज करना है। फिजिकली एक्टिव रहने से क्या होगा कि जो मसल है वो इस एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को जो है यूटिलाइज करेगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड जिससे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल वापस से नॉर्मल हो जाएगा। कुछ चीजों में हमें ध्यान देना है, जैसे कि लो शुगर डाइट लेना है जिसमें सुक्रोज और फ्रुक्टोज का लेवल जो है वो कम हो, एंड लो कैलोरी डाइट लेना है। फॉर मोर सच कॉन्टेंट्स सब्सक्राइब टू योर एमबीबीएस एप्पल।